क्वारंटाइन यहाँ से अच्छा हम लोग होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, बंदा रहता है। और मुखिया जी आए हैं, आपका कितना दिन हुआ बोले आप? सात दिन से आपको खाना पीना में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ, और नहाने में भी तकलीफ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ है, भर पेट खाना नहीं मिलता है, चावल महक रहा है, दाल बिल्कुल पानी आ रहा है, सब्जी खाने में बिल्कुल उसमें नमक ना है, ना स्वाद है, कुछ नहीं है। इसका शिकायत करें वीडियो करने के बाद, शिकायत किसी के पास करके देखने यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के मुखिया कौन है? मुखिया हरिद्वार प्रसाद, पूरा नाम हमें नहीं पता है, लेकिन हरिद्वार प्रसाद उनका नाम है, इतना मालूम है। वो लाकर मरवा रहे हैं बंदे को, पुलिस को बुलाकर। मैं पुलिस को नहीं, वो अपने गांव के बुला रहे हैं, प्रशासन के सामने, यहां पर प्रशासन के सामने पब्लिक बंदे पर हाथ उठाती है, पब्लिक बंदे पर, प्रशासन के रहते हुए पब्लिक बंदे पर हाथ उठाई भी नहीं किया गया ना, कुछ नहीं है। अंदर एक बार वीडियो देख लीजिए, अंदर निकल के आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों यहां क्या हो रहा है, क्या नहीं होता है, यहां पर यहां नहीं है। देखिए क्या नाम है अपना, अपना नाम बताएंगे? नाम अब्दुल हक है। अब्दुल हक है, हाँ। क्या समस्या है आपकी? रूम में एक और पंखा नहीं है, गर्मी से आप लोग जूझ रहे हैं, रात में बहुत ज्यादा मच्छर लगता है। ठीक है, आपको सब सुविधा चाहिए ही ना, और किसी को कोई दिक्कत है? सब लगा हुआ है। क्या नाम है? शमशाद आलम। नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, हमको लगता नहीं है कि हम यहाँ कोरोना से लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर प्लेग व्लेग से लड़ रहे हैं। इस तरह की कल हम लोग सफाई किए हैं, वहाँ पर ना किसी प्रकार की सफाई है, ना पंखा है, ना कुछ है, आपने अपने घर से बिस्तर मंगा कर खुद सो रहा है। अच्छा, बिस्तर भी यहाँ नहीं दिया गया है? वैसा कुछ भी नहीं है, किसी को मिल गया है और किसी को बोला गया है कि बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की हमारे पास असुविधा हो रही है। कल का चावल हम लोग जो खाना खाए आधा कच्चा था, यहाँ पर सरकार दे रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें, हम जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कोरोना फिर हमको यहाँ रहने से मतलब क्या है, हमको घर जाने छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर हम रहने के लायक क्या है, कुछ नहीं, हमको घर छोड़ दीजिए, हम सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे शायद हो सकता है हमें कोरोना, डर है यहाँ तक, बहुत हमें डर है यहाँ पे, रोज लड़ना पड़ता है, रोज हल्ला गुल्ला करना पड़ता है। अभी तक भूखे हैं, अभी तक भूखे हैं, अभी तक हम लोग भूखे हैं, यहाँ पर सुबह में कुछ नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला। यहाँ देखिए इन लोगों को कितना दिक्कत है, समय पे खाना भी नहीं है, पानी की भी तकलीफ है, बिस्तर भी नहीं मिला है, तमाम अधिकारी लोग आ रहे हैं, इन लोग को धमका रहे हैं, तब पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, बेचारे क्या करें। मुखिया जब यहाँ का बुला कर बोल रहे हैं, कैसे धमकी दिला रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, खाना से ज्यादा भूखमरी से कोरोना होगा, खाना से ज्यादा भूखमरी से कोरोना होगा। सब वीडियो है हमारे पास, किया है भी, बोला है, पर वीडियो नहीं दिया गया, कल है।